सम्रागी लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में गाए हुए गाने आज भी श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी याद। लता मंगेशकर ने वैसे तो अपनी आवाज का जादू कई गानों में दिखाया है, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसका जादू सदियों से लोगों के दिलों पर कायम है। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गए। और सदियां बीत जाने के बाद भी उस गाने का जादू उतरने का नाम ही नहीं लेता है। जाना दिल के अरमानों का लुट जा। इस गीत में लता मंगेशकर की गूंजती आवाज का जादू ऐसा छाया कि ये गीत सदाबहार हो गया। प्यार किया तो। इस गाने के बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में मैं उसी गीत के बनने के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। क्या है लता मंगेशकर के गाए उस गाने के बनने की कहानी, तो चलिए वीडियो की तरफ। दोस्तों, जिस गाने के बारे में बताने जा रही हूँ वह स्वर कोकिला की जिंदगी के बेहतरीन और सबसे कामयाब नगमों में से एक है। ये गाना सदाबहार फिल्म मुगले आजम का है, जिसे सौंदर्य की मलिका मधुबाला पर पिक्चराइज किया गया था। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुपा है भरना क्या जब। इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने और इसे संगीत दिया था नौशाद ने। बताया जाता है कि गीतकार शकील बदायूनी से संगीतकार नौशाद ने इस गाने को 105 बार लिखवाया और उसके बाद ही इस गाने के बोल नौशाद साहब को पसंद आए। एक इंटरव्यू के दौरान नौशाद साहब ने इस गाने के बनने के बारे में बताया था कि कैसे उन्होंने इस फिल्म के एक गाने के लिए शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बिना खाए पिए एक ही कमरे में बिता दिए थे। उन्होंने बताया था, मुगले आजम के दौरान आसिफ साहब ने हमसे कहा कि ये एक सीन है और इस पर एक गाना आप बनाइए, गाना ऐसा हो कि लोग याद करें। मैंने कहा कि ये तो खुदा के हाथों में है कि वैसा गाना बन सकेगा या नहीं। उन्होंने बताया था, मुगले आजम के दौरान आसिफ साहब ने हमसे कहा कि ये एक सीन है और इस पर आप गाना बनाइए, गाना ऐसा हो कि लोग याद करें। मैंने कहा कि ये तो खुदा के हाथ में है कि वैसा गाना बन सकेगा या नहीं। बहरहाल मैंने मुंबई में अपने घर पर गीतकार शकील साहब को बुलाया। छत पर एक कमरा है जहां पर अकेला बैठकर मैं ये काम करता हूं। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने दरवाजा बंद किया, दोनों बैठ गए। वह कुछ लिख रहे थे, मैं कुछ ट्यून कर रहा हूँ। कभी कुछ तो कभी कुछ कमी रह जाती थी। कमरे में सारी जगह कागज ही कागज हो गए थे, बस कागज वहां बिखरते गए। न चाय, न पानी, न खाना, न दाना। कितना टाइम हो गया था ये न मुझे मालूम और न उन्हें मालूम। काफी देर के बाद जाकर सांस ली और फिर बात बनी। वह गाना था प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना लिखकर जब हम बाहर निकले तो सुबह के 6 बज रहे थे। इस गाने को खास बनाने के पीछे एक और दिलचस्प बात ये कही जाती है कि लता मंगेशकर ने इसे बाथरूम में गाया था। उस वक्त आज की तरह के स्टूडियो नहीं थे और आज की तरह कंप्यूटर की मदद से बदलाव भी नहीं लाए जा सकते थे। दरअसल इस गाने में गूंजती हुई आवाज चाहिए थी और बाथरूम एक ऐसी जगह थी जहां इस गाने में सटीक बैठती हुई आवाज मिली। इसलिए इस गीत में गूंजती हुई आवाज की खनक लाने के लिए लता मंगेशकर से ये गीत स्टूडियो के बाथरूम के अंदर गवाया गया था। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। नौशाद साहब ने इस गीत के बोल पर जो संगीत दिया उसमें दरबारी और दुर्गा राग का प्रयोग किया गया। ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की एक पुरानी लोक कहावत, प्रेम किया क्या चोरी करी, को ही शकील बदायूनी ने अपने शब्दों में पिरोया। इस गाने को प्रसिद्ध शीश महल में शूट किया गया था। इस गाने में न सिर्फ शीश महल के बीच मधुबाला के सैकड़ों छवियों को दिखाया गया, बल्कि इस गाने में इको इफेक्ट के साथ चारों तरफ
आवाज टकराने का असर लाने के लिए नौशाद ने लता मंगेशकर की आवाज को अलग अलग टेक में रिकॉर्ड कर एक साथ मिलाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गाने को बनने में करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आया था, जबकि उस वक्त एक गीत के लिए गायकों को 300 से 400 रुपए दिए जाते थे। हालांकि फिल्म के सारे गाने ही सुपरहिट हुए, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय गाना प्यार किया तो डरना क्या ही साबित हुआ। ये गाना बनने के बाद से हर किसी के जुबान पर रहता है। तो दोस्तों, आप मुगले आजम फिल्म के गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास इस फिल्म के गाने से संबंधित कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।